पे सीएम कैंपेन है, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हैं और राजनीतिक विश्लेषक पीकेडी नाम्बियार हैं। आप दोनों का स्वागत। अनोखा तरीका है पे सीएम कैंपेन। पीकेडी नाम्बियार, आपको अच्छा लगा ये कैंपेन? कैंपेन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये कम से कम इसमें इतना तो डाल देते हैं कि दैट पे फॉर द इट्स एन इनकम्प्लीट पे सीएम रिलीफ फंड होना चाहिए था। पे सीएम रिलीफ फंड की जगह पे सीएम जो करके, मुझे लगता है सिद्धारामैया ने जो अपना जो पिछले उनका जो कार्यकाल जो थे पिछले 5 वर्ष पिछली बार उससे पहले भी, तो मुझे लगता है उनको आदत पड़ गया था जो पैसा लेने का। उनको ये उनका मन में ऐसा है कि यार मैं पहले लेता था तो अभी मैं 40-50 लेता था तो कम से कम इन्होंने भी 30-40 तो लेता ही होंगे। एक उनका अनुमान है, उसके ऊपर वो राजनीति खेल रहा है। आरोप लेकिन गंभीर है और ये मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। पीकेडी नाम्बियार, ये मुद्दा लगातार गर्म है, चुनाव में मुद्दा हो सकता है। भ्रष्टाचार का आरोप है कि 40% कमीशन वाली सरकार है यहाँ। नहीं, मैं एक सच बता देता हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। मैं बेंगलुरु में मेरा खुद का ऑफिस भी है, मैं कुछ सालों से उधर व्यापार भी कर रहा हूँ। सरकार के अंदर बैंगलोर में, तो मैं ये सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं कहूंगा कि हर डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। अब ये मैं जेडीएस का टाइम पे भी काम करते हुए मैंने देखा, कांग्रेस का टाइम पे भी देखा, अभी बीजेपी का टाइम पे भी। तो ये बोलना कि दैट यस बीजेपी आने से पूरी सारी सरकारी जितना भी जो डिपार्टमेंट है वो सब तो दूध का धुला हुआ हुआ, मैं तो नहीं मानता। लेकिन जो भी बंदा कहता है कि 40% के ऊपर अगर कोई करप्शन है तो मुझे लगता है कि जो आरोप कर रहा है और जिसने दिया हुआ है उसको सबसे पहले पकड़ के जेल में डालना चाहिए। तो उससे बड़ा क्रिमिनल नहीं हो सकता देश विरुद्ध, देश के अगेंस्ट काम करने वाला। 40%, मैं भी व्यापार करता हूं, मेरे भाई तहसीन भी करते हैं, अगर 40% के अंदर अगर कोई काम करते उससे बड़ा कोई क्रिमिनल इस देश में नहीं हो सकता। कहो, बोलो यार करप्शन है, मैं मान लेता हूं। कोई कहते हैं कि 40% का करप्शन है, ये तो जनता, आम जनता भी विश्वास नहीं करेगा नगमा जी। तहसीन, ये कैंपेन से पहली बात तो तहसीन ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि दर 1 रुपए का भी 40% 50% और 1% करप्शन इज करप्शन, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ कहना यह था कि 40% अगर कोई कमीशन देके काम कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर जो लेने वाले से भी खराब है, ये मेरा कहने का तत्व है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इंक्वायरी की बात है, ये अभी तक जितना भी करप्शन चार्जेस है जो सामने आया हुआ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई अच्छी एविडेंस के साथ और यह प्रॉपर एक एलिगेशन नहीं हुआ, इट्स ऑल लाइक जैसे जो बोलने के लिए जो रखने वाला जो एलिगेशन है अभी तक, इसकी वजह से जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो रहा। अगर कोई भी, चाहे सिद्धारामैया या डीके शिव कुमार, अगर प्रॉपर एविडेंस के साथ अगर एक कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इस तरह का बंदे का ये के खिलाफ और एक मंत्री के खिलाफ एविडेंस है, मैं समझता हूं उसके उधर इंक्वायरी होना चाहिए, चाहे जुडिशियल इंक्वायरी सिटिंग जज के साथ होना चाहिए। जहां तक अगर आपको याद होगा संतोष पाटिल का टाइम पे, संदेश पाटिल का जब आत्महत्या हुआ उनका जो चिट्ठी थे उसके ऊपर तो बड़े बड़े अभी इंक्वायरी चल रहा है। इन सपा को सेंट्रल पार्टी ने इस्तीफा करने के लिए कहा भी था और इस्तीफा भी किया था। आपको याद रखना है कि वो बहुत सीनियर मिनिस्टर है, पुराना बीजेपी का अध्यक्ष थे, डिप्यूटी सीएम भी था, उसके बावजूद उनको वो पोस्ट से हटाया गया था। तो बीजेपी हैज ऑलरेडी शोन द वे, बीजेपी हैज शोन। पीकेडी, आप बोलना चाह रहे हैं? तहसीन ने बिल्कुल ठीक कहा, डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार बोल चुका है। लेकिन संतोष पाटिल का केस के अंदर तहसीन भूल रहा है एक बात, वो वेदर इट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन पक्का है कि नहीं है उसके ऊपर इंक्वायरी है, बिकॉज वो व्हाट्सएप में या अपने मोबाइल पे है और किसी ने किया है, खुद किया हुआ है, इसके ऊपर तो हमने बहुत सारे डिबेट किया हुआ है। इंक्वायरी का विषय हमें कि वो डाइंग डिक्लेरेशन है कि नहीं है, उस विषय को लेकर हमें यह बात करना ठीक नहीं रहेगा इस प्रश्न के ऊपर। ये सच्चाई है कर्नाटक के अंदर, मैं कह रहा हूं फॉरगेट अबाउट हम किस पार्टी के साथ रुझान रखते हैं उसको भूल जाइए एक तक, ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस जेडीएस एंड एकमात्र बीजेपी का भी कुछ लोग जरूर करप्ट है, इस पे तो दो राय नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं जिस तरह से कह रहा हूं तहसीन को भी यह दम होना चाहिए कि यार कांग्रेस में भी इसी तरह का काफी सारे लोग हैं जो आप मानेंगे इस बात को, क्योंकि पीकेडी ये मान रहे हैं कि सिर्फ पीकेडी नाम है जी। क्यों क्रिबट है,
कुछ दिन पहले मैं बेंगलुरु में था, जो प्रधानमंत्री भी गए हुए थे उस प्रोग्राम के आसपास में भी उधर ही थे। बेंगलुरु का अगर एक किसी ने भी अगर उस तरह का जो रैली देखा होगा, मैं गवर्नमेंट है उसके बावजूद मैंने देखा है कि बेंगलुरु में अगर एक सूचना है, मैं समझता हूं आपकी बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार उधर आने वाला है। जहां तक तहसीन मेरी बात को पूरा जवाब ठीक से नहीं दिया, मैं कह रहा हूं डीके शिवकुमार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स केस के ऊपर बेल पे बाहर है, सिद्धारामैया ऑलरेडी करप्शन चार्जेस उनके ऊपर लगा हुआ है, जेडी कुमारस्वामी करप्शन चार्जेस है, मैं कह रहा हूं येदियुरप्पा करप्शन चार्जेस है, सबका है, सबको स्पेड को स्पेड बोलने का दम रखना चाहिए। हम कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है, हम किसी के गुलाम तो है नहीं है। तहसीन भाई आपको इतना धैर्य होना चाहिए कि यस सब लोग करप्ट है, इसमें कौन ज्यादा है कौन कम है, किसी न किसी तरीके से आज नहीं है तो कल को करप्शन को खत्म करने के लिए मैं और आपका जैसे लोग आवाज उठा। जी आपने अच्छी बात कही, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतना ही वक्त है। हम ये उम्मीद करेंगे कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा बने और इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो।